एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आपको जो मैंने मूवी का रिव्यू किया था, प्रभास की मूवी का रिव्यू किया था, कल्की का रिव्यू किया था, वो आई होप कि आपको पसंद आया। काफ़ी लोगों ने एक्चुअली देखा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। अगर आपने बाय चांस मूवी नहीं देखी या फिर इस मूवी का जो रिव्यू मैंने बनाया था वो नहीं देखा, तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच इट। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अभी जिस मुद्दे पर मैं एक्चुअली बात करने वाला हूँ वो ये कि तीन, पहली तो दो है फिल्म्स और तीसरा है एक सीरीज जिसको आपको देखने जाना चाहिए, मतलब जिसका ट्रेलर मैंने देखा और ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बात मुझे लेके आनी चाहिए बिकॉज दे लुक प्रॉमिसिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे बैड न्यूज के बारे में। वेल एक मिनट, कोई बैड न्यूज नहीं है। इस फिल्म का जो नाम है उसका नाम है बैड न्यूज, जिसे प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने और उसके साथ एक बार प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ। लेकिन बात मुद्दे की यह है कि इसमें इंटरेस्टिंग चेहरे हैं। सबसे पहले तो वो चेहरा है जिसको मतलब एक ऐसा फेम मिला कि जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही है एनिमल फिल्म के बारे में, जिनके बहुत सारे आपने सीन्स देखे अच्छे अच्छे से और उनको सराहा भी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन तृप्ति दिमरी। यस ऑफ कोर्स, तृप्ति दिमरी, विकी कौशल और एमी विर्क। जी हाँ, एमी विर्क वो पंजाबी मुंडा है जिसको आपने अलग अलग फिल्मों में, बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, पंजाबी फिल्मों में भी और हिंदी फिल्मों में। लेकिन एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे एक्चुअली नजर आई इसके ट्रेलर में, वेल आई एम सो सॉरी, मैं ट्रेलर आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज उससे कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाता है। एनीवेज, उसका जो ट्रेलर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दूंगा, सो यू कैन वॉच इट राइट अवे। बट ये जो ट्रेलर है बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही अच्छा है। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो वहाँ पे ह्यूमर ऐड करने के चक्कर में उसे खराब कर देते हैं, मतलब वो ह्यूमर सही तरीके से लैंड नहीं करता और मतलब ऐसा लगता है कि ये ज़बरदस्ती ये ह्यूमर डाला गया है जस्ट टू मेक इट कॉमेडी। लेकिन नहीं, ये जो है बैड न्यूज़ का जो ह्यूमर है बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश लग रहा है। और साथ साथ जो तीनों का जो ट्रायो का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा खूबसूरत है। ट्रायो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा इसके अंदर और भी कई कैरेक्टर्स हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, उसके बारे में मैं अभी एक्चुअली बताने नहीं वाला। आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड वॉच द ट्रेलर टू नो मोर अबाउट इट। लेकिन ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे के ऊपर ये जो फिल्म बनाई जा रही है, मतलब जो ट्रेलर में जो बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा नाम है हेट्रो something, well मैं उसे और कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। यहां पर सीन यह है कि माँ एक है और जो उसके जो मतलब उसके पेट में जो बच्चा है उसके जो फादर है वो दो है। तो ये हेट्रो पेरेंटिंग का सीन क्या हुआ है ये जो है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके ट्रेलर के बारे में, जब फिल्म रिलीज होगी तब के तब हम देखेंगे, पता करेंगे क्या है। तो इसमें ये डॉक्टर बताते हैं कि ये जो शख्सियत है तृप्ति दिमरी ये एक्चुअली माँ बन जाती है, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि इस मतलब कौन इनके फादर है उनके होने वाले बच्चे के। तो वहां पर टेस्ट किए जाते हैं वगैरह वगैरह और फिर डॉक्टर उनको बताते हैं कि ये एक्चुअली हेट्रो समथिंग की वजह से हुआ है, जिसमें बच्चा तो एक है लेकिन दो फादर है। वेल, ये बहुत ही अच्छा कॉमेडी ट्रायो है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले तो जाके इसका ट्रेलर देखना चाहिए। ट्रेलर देखने के बाद में जब मूवी रिलीज होगी तो मूवी भी मैं तो जरूर देखूंगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखें। और सो गाइस, जो सेकेंड मूवी है जिसका ट्रेलर मुझे बड़ा पसंद आया है वो है पिल। यस ऑफ कोर्स, पिल यानी कि टैबलेट। जी हाँ, ये एक्चुअली पिल नाम की एक दूसरी मूवी भी बनाई गई थी जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, पर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम गोना टॉक अबाउट द अपकमिंग मूवी ऑफ रितेश देशमुख। यस ऑफ कोर्स, द रितेश देशमुख। और यार वो भी एक्चुअली चश्मा ही पहन रहे उस मूवी में। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि उनका जो कैरेक्टर है, जो मुद्दा है, बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है। पिल इज बेसिकली अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और वहाँ पे मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बताया गया कि जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही है जिसके बारे में ये बंदा जो है रितेश देशमुख जिन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है, ये बंदा उसकी तह तक जाता है और तह तक जाने के बाद में कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो बाहर लाता है और उसके बारे में सस्पेंस है, थ्रिल है और क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्यों मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसे क्या कर रही है क्या नहीं। वेल, आई रियली डू नॉट नो वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल फैक्ट और नॉट। मेरा सिर्फ काम यह है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी और रितेश देशमुख काफ़ी उसमें सीरियस और काफ़ी अच्छा रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ट्रेलर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका ट्रेलर ज़रूर देखना, पिल रितेश देशमुख। अगर आप नाम टाइप करोगे यूट्यूब पे तो आपको पता चल जाएगा, दिख जाएगा। बाय द वे, ये मूवी जो है ये थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो अभी तक इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, बट ये जियो सिनेमा पे रिलीज होने वाली यानी कि OTT पे रिलीज होने वाली है और यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। ये जुलाई में आने वाली है।
ओके तो नंबर थ्री है, वेल नंबर थ्री जो है वो वेब सीरीज है, पहले दो मैंने जो बताई थी वो फिल्म्स थी, नंबर थ्री है वेब सीरीज जो कि है डैन बॉलीवुड के स्मूथ सुपरस्टार इमरान हाशमी, भीगे हो तेरे कहो ना कहो ये आंखें। ओके ओके आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली सिंगर भी हूं तो मतलब जब गानों की बात आती तो थोड़ा सा बह जाता हूं। एनीवेज आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान हाशमी के फैंस के लिए बहुत जबरदस्त खबर है, यहाँ पर टाइगर थी के बाद में इमरान हाशमी भी नजर आने वाले हैं शो टाइम। यस ऑफ कोर्स शो टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई वेब सीरीज है जो कि जुलाई में रिलीज होने वाली है, उसके साथ साथ उसमें एक और एक चॉकलेट हीरो है या फिर चॉकलेट बॉय है जिनको लोगों ने काफी पसंद किया है। एट द सेम टाइम ही इज ऑलवेज बीन लाइक अ फेवरेट ऑफ लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट यू नो मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ, और उनका नाम है राजीव खंडेलवाल। जी हाँ, राजीव खंडेलवाल जिनका डेब्यू हुआ था एकता कपूर के सीरियल से जो कि स्टार प्लस पे शायद, हाँ स्टार प्लस पे आता था वो सीरियल, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी मूवीज भी की और उसके बाद में सीरियल्स वगैरह भी किए, लेकिन काफी टाइम से थोड़ा सा नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो नजर आएंगे इमरान हाशमी के साथ में इस वेब सीरीज में जिसका नाम है शो टाइम। तो इसका जो ट्रेलर है अगर आपने नहीं देखा तो इसका ट्रेलर जरूर आप देखना, इसके साथ में इंटरेस्टिंग भी चेहरे हैं, दूसरे इंटरेस्टिंग चेहरे हैं वो बाय द वे एक फिल्म आई थी जिसमें सलमान खान है और सलमान खान के साथ में आयुष, जी आयुष जो उनके ब्रदर इन लॉ है वो आते हैं, और उसके साथ में जो उनके साथ हीरोइन होती है ना एक, तो वो हीरोइन भी इसके साथ में मतलब इस वेब सीरीज में नजर आने वाली है, एंड इट्स फ्यू मोर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। और जो ट्रेलर जिस तरीके से बनाया गया मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इमरान हाशमी जो फिल्म में वगैरह में वेब सीरीज में होंगे तो वो काफी अच्छी होगी ही होगी, बिकॉज ही इज ऑलवेज बीन लाइक गुड अबाउट टेकिंग अप द प्रोजेक्ट्स। तो मुझे लगता है कि आप जरूर देखिए। सो जो तीनों मैंने आपको बताया मैं समराइज कर दूंगा, पहली जो मैंने आपको बताई थी उसका नाम है बैड न्यूज जो कि मूवी है रिलीज होने वाली थिएटर में, करण जौहर ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और बाय द वे ये जो शो टाइम है राइट, जो तीसरा मैंने जिसके बारे में बताया आपको वेब सीरीज वो भी करण जौहर ने प्रोड्यूस किया। भाई करण जौहर आजकल बहुत पैसे छाप रहे हैं। एनी विच वेज जो सेकेंड वाला है उसका नाम है पिल, जिसमें रितेश देशमुख है जो कि रिलीज होगी जियो सिनेमा पे। तो प्लीज आप ये तीनों जो दोनों फिल्म और जो तीसरा जो वेब सीरीज जिसके बारे में मैंने बताया, इन तीनों का आप ट्रेलर जरूर देखना, और ट्रेलर देखने के बाद में मेरा जो रिव्यू है मैंने जो अभी बताया उसको देखने के बाद में मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। एट द सेम टाइम मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं मैं बनाता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ, शॉर्ट्स बनाता हूँ कॉमेडी के और साथ में डांस के, तो उन्हें भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज शेयर। ऑलराइट, टाटा, बाय बाय।